प्रश्न है कि अगर दुनिया में हर व्यक्ति की व्याधि का अर्थ उसके भोग हैं, आपके शरीर में कोई रोग हुआ तो किसी जन्म का भोग है, हर व्याधि का अर्थ उसके किसी कर्मों का फल है, और वह सिर्फ सेवा से और आशीर्वाद से ही कट सकते हैं, तो भगवान ने दवाइयों और डॉक्टर वैद्य क्यों बनाए? बढ़िया प्रश्न है। लेकिन ऐसा नहीं है, न वो सिर्फ आशीर्वाद से करते हैं, न सेवा से ही करते हैं, रोग दवा से करते हैं। प्यास पानी से मिटती है, भूख भोजन से मिटती है, रोग दवा से मिटते हैं। भगवान ने ही धन्वंतरी के रूप में अपना अवतार लिया। एक महात्मा भजन कर रहे थे, उनके पैर में घाव था, चकावर टाइप, कीड़े वीड़े पड़ जाएं, जब दवाई का विचार करें तो भगवान मना करें, दवा मत करो। तो बोले अच्छा भोग है तो भोग लो। एक दिन एक जड़ी बोली, ठीक कुटिया के सामने कुआ था, कुआ के जड़ में घास फूस जमा हुआ था, उसमें से एक घास फूस में से एक जड़ी बोली, आप ये कूट पीस के हमको लगा लें इस पांव में, आपका पांव ठीक हो जाएगा। तो महाराज ने पूछा, 12 साल से हम भी यही हैं, तू भी यही है, अब तक क्यों नहीं बोली, आज क्यों बोली? बोले अब तक आपका भोगदंड था, अब भोगदंड खत्म हो गया। तो बोले खत्म हो गया तो हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो मैं कूट पीस के लगाने की मेहनत क्यों करें? तो बोले लगा लेंगे तो समाज का कल्याण होगा, और भी लोग लगाएंगे उनका भला हो जाएगा। जड़ी बातें करती है इन महापुरुषों से, इससे जनहित होगा, लोक कल्याण होगा। तब फिर अपन गए, पूछ काछ के लगा दिए, ठीक भी हो गए। फिर महापुरुष के पास में आएंगे ही सब लोग, बोले महाराज यहाँ फोड़ा हो गया, यहाँ फुंसी हो गया, यहाँ खुजली हो गया। बोले देख रहे हो कुएं के पास जड़ी है, थोड़ा कूट पीस के पोत पात ले जा, औषधि हो गई। तो दवा दवा है, हाँ दवा भी जहां नहीं काम करती वहां दुआ काम करती, इसलिए महापुरुषों के पास लोग जाते हैं, वो अलग विभाग है। ऐसे महापुरुष भी विरले होते हैं जिनकी दुआएं लगती हैं।